हनी ट्रैप मामले से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप, रोज हो रहे हैं नए खुलासे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में देर से पहुंचे मंत्री, मंत्री पीसी शर्मा पर भड़के लोग। कमलनाथ की वादा खिलाफी पर शिवराज का जागरण, शिवराज ने गाए भजन और सेकी पार्टियां। मध्य प्रदेश के बदमिजाज अधिकारी का वीडियो आया सामने, अधिकारियों को देता है जूता मारने की धमकी। और नेताओं का भार नहीं सह पाया मंच, सागर में मंच सहित नेताजी गिरे। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। हनी ट्रैप मामले में रोज नए खुलासे होने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। इस बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हनी ट्रैप मामले में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, तो कुछ पत्रकार इसमें मध्यस्थता की भूमिका में नजर आए हैं। हनी ट्रैप मामले में नित नए खुलासों के बाद यह माना जा रहा है कि अब सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। विजयवर्गीय ने कहा, इस मामले में आरोप प्रत्यारोप की बजाय निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि इसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। मैं कहता रहा हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाकर हम एक दूसरे को कटघरे में जनता के बीच में नहीं करें, क्योंकि जनता पहले ही दुखी है। मैं भी कह दूँ कि भाई आप पत्रकार लोग भी उसमें शामिल हैं, मेरे पास तो खबर है कि उसमें पत्रकार लोग भी है, सच में कह रहा हूँ आप, मेरे पास खबर है और तीन चार पत्रकारों का नाम भी मेरे पास, पर मैं उसको उजागर थोड़ी करूँगा। एक आध नेताओं के नाम उजागर कर दो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करके क्यों करूँ, ऐसा क्यों करूँ मैं, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है। अब ऐसे तो बहुत सारे सबके नाम चल रहे हैं, अधिकारियों के नाम चल रहे हैं, पत्रकारों के नाम चल रहे हैं, पत्रकारों ने बीच में मध्यस्थता की, ऐसे नाम भी आए मेरे पास। तो अब इसको मैं किसी पत्रकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी राजनेता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी उसको कटघरे में खड़ा कर। कैलाश विजयवर्गीय के बयान में काफी हद तक सच्चाई है। इस मामले के उजागर होने के बाद भोपाल के चार पुरुष और तीन महिला पत्रकार भी संदेह के दायरे में हैं। इनमें से कुछ पहले भी ऐसे ऐसे कामों में संलग्न रहे हैं। हरदा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मंत्री पीसी शर्मा के निश्चित समय से एक घंटे देरी से पहुंचने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने समस्या नहीं सुनने के भी आरोप लगाए। इसके बाद प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा ने जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारी को मंच पर बुलाकर उन आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हरदा के ग्राम झाड़पा में आपकी सरकार आपके द्वार जिला स्तरीय शिविर में 2 बजे तक प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा के आने का समय तय था, परंतु मंत्री एक घंटे देर से पहुंचे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा तो कार्यक्रम में लेट पहुंचे ही, साथ ही प्रशासन के आला अधिकारी भी समय पर नहीं आए। शिविर की व्यवस्था में लगे विभागों के अधिकारियों ने लोगों के आवेदन लिए। जानकारी के अनुसार शिविर में 101 आवेदन आए, जिनमें से अनेक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। मंत्री द्वारा निश्चित समय से एक घंटे देरी से पहुंचने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने उनकी समस्या नहीं सुने जाने का आरोप लगाया। कि आज चाहे आधी रात हो जाए, जितने आवेदन आए अगर किसी के पास कोई कागज सर्टिफिकेट नहीं है तो घर से ले आएगा, फोटो कापी जाके करा लाएगा, लेकिन उस सब कागज ये कागज नहीं है, वो नहीं है। शिविर में कई लोगों द्वारा प्रभारी मंत्री शर्मा को अपने आवेदन दिए गए। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मंच पर बुलाकर उन आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शिविर में किसान खराब हुई फसलों के पौधों का साथ लेकर आए थे और तत्काल सर्वे करवाने की गुहार लगाई। मंत्री पीसी शर्मा ने भी खेत जाकर फसलों की स्थिति देखी। कमलनाथ सरकार ने लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया, लेकिन आयोजन में मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के देरी से आने से ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। हद तो तब हो गई जब अपनी समस्या लेकर ग्रामीण घंटों पंचायत भवन के सामने बैठे रहे, लेकिन वहां कोई नहीं आया और ना ही समस्या सुनी गई। मजबूरन
ग्रामीणों को निराश होकर वापस जाना पड़ा। प्रदेश की कमलनाथ सरकार के द्वारा लगाया गया शिविर आपकी सरकार आपके द्वारा मजाक का विषय बन गया है। कहीं मंत्री लेट आ रहे हैं तो कहीं प्रशासनिक अधिकारी ही नदारद हैं। गाडरवारा के ग्राम पनेरा में इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करवाने के लिए कलेक्टर का इंतजार करना पड़ा। दरअसल एक दिन पहले ही गांव कोटवार के द्वारा मुनादी की गई थी कि गांव में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन है, पर बाद में पता चला कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण ग्राम पंचायत भवन के सामने घंटों बैठे रहे, लेकिन ना कोई अधिकारी आया और ना ही समस्या का निराकरण किया गया। घंटों इंतजार के बाद ग्रामीण वापस जाने पर मजबूर हो गए। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है पंचायत भवन पलेरा में, हाँ, तो उसके लिए समस्त ग्रामवासी पंचायत भवन में उपस्थित हो गए। तो सभी ग्रामवासी उपस्थित हैं, अभी तक ना कोई अधिकारी आया ना कोई कर्मचारी आया। पंचायत भवन में कोई नहीं, ताला पड़ा, अभी तक खुला ही नहीं है। अभी तक खुला ही नहीं। कौन है सरपंच? सरपंच सरोज भाई सालवार। जब इस संबंध में गाडावारा SDM राजेश शाह से बात की गई तो उनका कहना था कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम का कोई आयोजन नहीं था। पूर्व विधायक साधना स्थापक का कहना है कि अगर योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया तो ऐसी योजना शुरू करने का क्या मतलब। इस पर शासन और प्रशासन दोनों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जिला लेवल का रहता है, हमारे राजस्व विभाग के पर्टिकुलरली इस राजस्व विभाग के समय समय पे शिविर होते हैं जिसमें नायब तहसीलदार जो SDM हैं वो खुद जो है मौके पे जाते हैं और वो साप्ताहिक या 15 दिन में शिविर होते हैं पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में वहाँ की समस्याओं का जायज़ा लेने के लिए। और उस समय चूँकि पानी अतिवृष्टि हो रही थी और सूचना मिली जो प्राप्त हो रही थी समय समय पर मकान गिरने की, और चूंकि भारी बारिश हो रही थी इसलिए वो कार्यक्रम जो एक राजस्व शिविर का होता है जहां पटवारी और तहसीलदार नायब तहसीलदार SDM वगैरह जाते हैं, वो कार्यक्रम जो है उस कारणों से जो है कैंसिल करना पड़ा। ये बात तो बहुत ही गलत है कि अगर जनता को जानकारी दे रहे हैं और उसके बाद बहुत विशेष योजना चलाई तो है, लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ तो उस ऐसी योजना से क्या लाभ कि हमारे जनता इकट्ठी हुई और इंतज़ार करती रही, उसके बाद कोई नहीं पहुंचा, इस बात की तो बहुत मैं निंदा करती हूँ। कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात्रि जागरण के दौरान भजन कीर्तन किया और धरना प्रदर्शन के लिए आए लोगों के लिए बाटियां भी सेकी। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी और कांग्रेस की मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज के तहसील प्रांगण में डेरा डाला है। तहसील प्रांगण में शिवराज सिंह चौहान ने भजन कीर्तन किया। यहां शिवराज सिंह चौहान के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने रात्रि जागरण के दौरान भजन भी किए। सुखदाई जब बोले मेरे भाई ये जीवन दो दिन का इस दौरान शिवराज सिंह चौहान इस प्रदर्शन में शामिल होने आए लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनते रहे और आगंतुकों के लिए बाटियां भी सेकी। पूर्व मुख्यमंत्री ने सबके लिए बाटियां सिकवाई और फिर भोजन भजन और जागरण का दौर चला। जनपद पंचायत कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान जनपद CEO ने रोजगार सहायक से गाली गलौज कर दी और सरेआम जूता मारने ठीक करने की धमकी भी दे दी, जिसके बाद रोजगार सहायक की हालत खराब हो गई। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमलनाथ सरकार में अधिकारी इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि वो अब सरेआम गाली गलौज करने और जूता मारने की धमकी देने लगे हैं। ताजा मामला टीकमगढ़ का है। जनपद पंचायत जतारा में समीक्षा बैठक चल रही थी, इसी दौरान जनपद पंचायत कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की मौजूदगी में जनपद CEO शैलेंद्र सिंह ने एक रोजगार सहायक के साथ गाली गलौज की और जूते मारकर ठीक करने की धमकी दी। CEO की धमकी के भयभीत और सार्वजनिक अपमान से दुखी रोजगार सहायक की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद रोजगार सहायक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज करा रहे रोजगार सहायक का कहना है कि अगर CEO के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। यदि सीसीटीवी में नाम मेरे पास है, अब क्या ढूंढ रहा है तुम बता दे, कौन सा वर्ष में तुम ढूंढ रहा है, क्या वर्ष मिलेगा तुम? बोल, सारे झूठे मारेंगे, अभी तक क्या कर रहे थे तुम?
में पानी की टंकी से कूदकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। नीचे खड़े लोगों ने लड़की को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और नीचे कूद गई। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि लड़की ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र के तहत आने वाली पानी की टंकी से सेंट बेनेडिक्ट स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस छात्रा को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि छात्रा मोबाइल फोन पर बात करते करते 150 फीट ऊंची पानी की टंकी से कूद गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा प्रदर्शनी नगर की रहने वाली है। थाना प्रभारी दीप्ति तोमर ने बताया कि जैसे ही घटना का पता चला पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उसे समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले पुलिस कुछ कर पाती पानी की टंकी के ऊपर बैठी छात्रा ने छलांग लगा दी। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस अब इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर कूदने के पहले छात्रा अपने मोबाइल फोन से किससे बात कर रही थी और उसने यह कदम क्यों उठाया। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आई है। वन मंत्री उमंग सिंघार कांग्रेस कार्यालय में बैठक ले रहे थे, इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने दूसरे कार्यकर्ता को बीजेपी का दलाल कह दिया। कुछ लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपशब्द कहे, जिसके बाद बैठक में हंगामा और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामे के चलते उमंग सिंघार को बीच में ही बैठक छोड़कर जाना पड़ा। कांग्रेस में गुटबाजी कितनी चरम पर है, इसका उदाहरण एक बार फिर ग्वालियर में देखने को मिला। जिले के प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार ग्वालियर में शिंदे की छावनी स्थित कार्यकर्ताओं की बैठक लेने और मुलाकात करने पहुंचे थे। बैठक शुरू होने के थोड़ी देर बाद ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद पांडे बोलने के लिए खड़े हुए। बताया जा रहा है कि भाषण के दौरान वहां मौजूद पिंकी पंडित नामक एक अन्य कार्यकर्ता ने उन्हें भाजपा का दलाल कहते हुए अपशब्द कहे। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी अपशब्द कह दिए। इतना सुनते ही सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता भड़क गए और उसका विरोध करने लगे। थोड़ी ही देर में बैठक हंगामे में बदल गई। कार्यकर्ता में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। इसे देखकर प्रभारी मंत्री ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से नाराजगी भी जताई। खुरई में बारिश के बीच पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के संबोधन के दौरान मंच भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें दो बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। पूर्व गृह मंत्री के संबोधन के दौरान मंच पर 50-60 कार्यकर्ता चढ़ गए थे। अचानक भीड़ बढ़ने से यह हादसा हुआ है। खुरई में कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा के धरना प्रदर्शन के दौरान मंच गिर गया। घटना के समय पूर्व गृह मंत्री परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह संबोधित कर रहे थे। मंच पर सांसद राज बहादुर सिंह, बीना विधायक महेश राय सहित 50-60 कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व गृह मंत्री सिंह के संबोधन के दौरान अचानक भीड़ बढ़ने से मंच वजन नहीं सह पाया और हादसा हो गया। मंच पर उपस्थित समय लगेगा।
यह मंच 15x16 के एरिया में लोहे के एंगल व लकड़ी के तख्तों से बना था। पूर्व गृह मंत्री व खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के संबोधन के दौरान बारिश शुरू हो गई थी और मंच पर भीड़ बढ़ती गई। लगभग 50 से 60 लोग मंच पर थे, तभी अचानक मंच धड़ाम से गिर गया। मंच गिरते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि घटना में किसी बड़े नेता को चोट नहीं आई है, लेकिन दो कार्यकर्ताओं विजय जैन व जानकी विश्वकर्मा को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 8 साल से फरार अंतर्राज्यीय अपराधी मुकेश यादव को टीकमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी को यूपी के बांदा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित था। टीकमगढ़ पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनामी अपराधी मुकेश यादव पिछले 8 साल से फरार बताया जा रहा है। मुकेश यादव को यूपी के बांदा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। मुकेश का आतंक टीकमगढ़ के अलावा निवाड़ी, झांसी, छतरपुर और ग्वालियर तक का था। मुकेश गैंग बनाकर घटनाओं को अंजाम दिया करता था। बताया जा रहा है कि मुकेश आगामी नगर पालिका और पंचायत चुनाव में बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया और उसके द्वारा किए गए अपराधों की जानकारी। ग्वालियर में तिघरा बांध में पानी का लेवल बढ़ने से 3 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण बांध में पानी का लेवल 738 फीट पार आ गया था, जिसके बाद बांध से लगभग 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शहर की पूरी आबादी की प्यास बुझाने वाला तिघरा बांध एक लंबे अरसे के बाद खोला गया है। ग्वालियर की लाइफलाइन कहे जाने वाले तिघरा बांध के 3 गेटों को खोला गया है। बताया जा रहा है कि बांध का पानी उसके तय लेवल से ऊपर जा रहा था, जिसके बाद सिंचाई विभाग और प्रशासन ने मिलकर इस बांध के गेटों को खोलने का फैसला लिया। दरअसल शहर की पूरी आबादी की प्यास बुझाने वाला तिघरा बांध बरसात के मौसम में अपने 738 फीट के लेवल को पार कर चुका था, जिसके कारण बांध के लेवल को मेंटेन करने के लिए बांध के 3 गेटों को खोल दिया गया। हालांकि तीनों गेटों को पूरा नहीं खोला गया था। करीब 2 घंटे के लिए महज थोड़ा सा ही खोलकर बांध से करीब 2000 क्यूसेक का पानी छोड़ दिया गया। बांध से पानी छोड़ने से पहले ही आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया था। साथ ही गेट खुलने के कुछ समय पहले बांध पर लगे सायरन को भी बजाया गया था। काफी लंबे अरसे बाद तिघरा जलाशय के गेटों को खुलता देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर SP भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद रहे। आप जानते हैं कि तिघरा हमारे शहर की लाइफलाइन है। तिघरा 99% भर गया था, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले लोगों ने दो कारणों से, एक तो जो बहुत सारा जो गंदगी ऊपर जमी हुई थी वो गंदगी क्लियर हो जाए, और एक बार उनको ट्रायल के रूप में भी, क्योंकि अभी भी जो हमारा साउदर्न वेस्टर्न सिस्टम है अभी मानसून का वो भी एक्टिव है, तो इसको उन्होंने डिसाइड किया 739.1 पे मेंटेन करेंगे उस लेवल को। वो उनके लिए सेफ लेवल भी है। और आगे भी एक पिलौवा डैम है, वो पिलौवा डैम भी भर देंगे तो वहाँ के जो लोकल किसान उसको भी अच्छा रहेगा। 2000 क्यूसेक पानी आज छोड़ रहे हैं। ये करीब 1.5-2 घंटे के आसपास खोले रहेंगे, जब तक वो क्वांटिटी निकल नहीं जाती है। इसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय ने अनुमति दी है कि इसका प्रस्ताव भेज देंगे, तो भोपाल स्तर से स्वीकृत होकर इसकी मरम्मत हो जाएगी, और हमारी शहर की लाइफलाइन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है तिघरा हमारे लिए। राजमहल स्टेडियम में कबड्डी का जुनून देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर से इसमें टीमें हिस्सा ले रही हैं। कबड्डी का ये आयोजन 49 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। कबड्डी का लुत्फ उठाने दूर दूर से बड़ी तादाद में दर्शक स्टेडियम पहुँच रहे हैं। आधुनिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच भी लोग परंपरागत खेलों का मजा ले रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के चीचली कस्बे में पिछले 49 वर्षों से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लोग इसका जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीचली के राजा ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है। शहर के राजमहल स्टेडियम में होने वाले इस कबड्डी मैच को देखने के लिए दर्शक बड़ी दूर दूर से आते हैं। कबड्डी के लिए यहां अलग ही किस्म का जुनून है। प्रदेश भर में इसमें टीमें हिस्सा लेती हैं। पुरुष टीम के साथ महिला कबड्डी भी खेली जाती है। इस साल यहां अंडर 19 की राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में आई है। 3 दिन का कार्यक्रम प्रतियोगिता का रहा, इसमें क्या है कि राज्य स्तर से महिला टीमें एवं हमारी पुरुष टीमें और तहसील स्तर की टीमें, कम से कम 30 टीमें तहसील स्तर की भाग लिया और 25 टीमें राज्य स्तर की टीमें, जिसमें नामी ग्रामी प्रो कबड्डी खेलने वाले भी प्लेयर हैं। यहाँ इस प्रकार से आयोजन किया जाता है। मैं इंदौर मांडस ग्रुप से हूँ और मैं यहाँ एक ओपन टूर्नामेंट है जिसको मैं खेल प्रदर्शन कर रही हूँ, और मैं सीज इंटरनेशनल प्लेयर 2017 में फ्रॉम ईरान, तो मेरी ईरान खेल के आई थी, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमको आगे बहुत अच्छा लगा
क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ और यहाँ की जो पब्लिक है, ये जो गांव वाले पूरी जो कमेटी है, ये हमको सपोर्ट भी करती है और पब्लिक जो है उसका हमको सपोर्ट भी बहुत मिलता है और यहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगता है। भोपाल के संत नगर में स्कूली बच्चों ने एक अनोखा आयोजन किया। बच्चों ने गांधी जी की वेशभूषा में लोगों को स्वच्छता रखने का संदेश दिया। बैरागढ़ में स्वच्छता सप्ताह के तहत नगर निगम कर्मचारी एवं सुचिता कृपलानी शासकीय कन्या विश्वविद्यालय के बच्चों ने एक अनूठा अभियान चलाया। इस अभियान में बच्चे महात्मा गांधी का रूप धारण कर हाथों में स्वास्थ्य भोपाल की तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले। यह रैली चंचल रोड कवाराम चौराहा से होती हुई स्कूल में सम्पन्न हुई। विभिन्न चौराहों पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए, साथ ही गाड़ी वाला आया घर कचरा निकाल गाने पर नाचते हुए सफाई की। हमने नगर निगम के लोगों को भी अपने साथ में लेकर साथ ये सारी रैली माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से स्वच्छता की भी पखवाड़ा भी मनाया गया आज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।